कैशफल एप्लीकेशन में लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आप क्लिक कर लेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आधार का फ्रंट साइड का फ़ोटो और बैक साइड का फ़ोटो आपको ले लेना है। सिंपली आपको इसको बीचों बीच में रखना है और ये ऑटोमेटिकली इसे क्लिक कर लेगा। अगर आप इसे सही से नहीं रख पाते हैं इस बॉक्स के बीचों बीच में इस तरीके से, तो ये जो है टाइम आउट हो जाएगा यहाँ पे, और आपको इसे सिंपली आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली अगर नहीं ले पाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऑटोमेटिकली अगर नहीं फ़ोटो ले पाता है तो आप इसे सिंपली फ़ोटो लेके भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे टाइम आउट हो गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बीचों बीच में सही से इसे फिट कर लेना है इस बॉक्स के बीचों बीच में। उसके बाद टेक ए फ़ोटो में आपको क्लिक कर लेना है और टिक कर लेना है, यहाँ पे यस में आपको टिक कर लेना है और ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आधार अपलोड होने के बाद कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आपका पैन कार्ड को यहाँ पे बॉक्स के बीचों बीच में आप सही से फिट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आता है आपका सेल्फी। आप अपने हेड को लेफ्ट या राइट टर्न करेंगे और ये ऑटोमेटिकली जो है आपका सेल्फी ले लेगा, और यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स का पूरा फॉर्म आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आपको इसे सही सही फिलअप कर लेना है, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको सही सही आपको फिलअप कर लेना है। तो मैं इसे फिलअप कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है सही सही फिलअप कर लेता हूँ फटाफट से। आपका समय यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, तो मैं यहाँ पर जो है इसे फटाफट से फिलअप कर लेता हूँ। इसको फिलअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, उस स्टेप को आपको कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मैं इसे फिलअप कर लेता हूं जल्दी से। जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर देंगे तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पे आपको आएगा रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स, तो यहाँ पर आपको जो है पहला रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स आएगा फैमिली का। यहाँ पर आप फैमिली के किसी मेम्बर का जो भी रिलेशन है उसका रिलेशन फिलअप करेंगे। उसके बाद उसका नाम फिलअप करेंगे, फिर उसका जो है यहाँ पे नंबर देंगे। नंबर फिलअप करने के बाद उसके बाद आता है नेक्स्ट रेफरेंस फ्रेंड का। यहाँ पे फ्रेंड के दो जो है आपको रेफरेंस देना होगा, यानी कि आपको जो है पहला एक फ्रेंड का रेफरेंस देना है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको जो है कॉलेजियस रेफरेंस देना है, यानी कि आपके कॉलेज में का किसी एक का नंबर और नाम यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद ये जो फिलअप हो जाएगा पूरा डिटेल्स यहाँ पे रेफरेंस का, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपके बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको अपना आईएफएससी कोड सही सही और बैंक अकाउंट सही सही फिलअप कर देना है। उसके बाद बैंक नेम को भी यहाँ पे सही सही फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ बैंक होल्डर नेम, यहाँ पर भी आपका नाम सही सही डाल देना है। जो भी अकाउंट में आपका नाम है उसी तरीके से यहाँ फिलअप करेंगे, क्योंकि ये वेरीफिकेशन होगा तभी जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर सही सही फिलअप कर देंगे और उसको कंफर्म भी कर लेंगे एक बार। तो मैं यहाँ पे जो है अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह सही सही फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा, इसको एक बार देख के आप कन्फर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लोन एप्लीकेशन का जो है पूरा डिटेल्स यहाँ ओपन हो जाएगा। लोन अमाउंट लिखा हुआ है, टेंसुअर कितना दिन का ये है वो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे रिसीव आप कितना करेंगे वो भी लिखा हुआ है, रीपेमेंट आपको कितना करना है वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे देखिए एप्लीकेशन डेट, ड्यू डेट और डिस्पर्सल बैंक भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है और आपके अकाउंट पे जो है पैसा चला जाएगा।